नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीबीआर स्टडी। आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में हम लोग बात करेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज किसे कहते हैं, ये सारी जानकारी इसमें क्लियर करेंगे। आप लोग जल्दी से जुड़ जाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि रात्रि 10 बजे से 12 बजे तक आपकी डीएलएड की मैराथन क्लास होती है, लेकिन दोस्तों नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से ये क्लास 22 जनवरी की सुबह, सॉरी माफ करिएगा, 22 जनवरी की रात्रि 10 बजे नहीं चल सकी, जिसका मुझे खेद है। और उसके बदले में आज हम आपको ये क्लास दिखा रहे हैं। त्रिभुज क्या होता है, जैसे कि आप लोग इसके नाम से ही स्पष्ट कर सकते हैं, इसे कैसे लिखते हैं ध्यान दीजिएगा। नीचे त्रिभुज है ना, त्रिभुज अगर इसमें संधि विच्छेद करें तो आप पाएंगे त्रिधन भुज है ना। इंग्लिश में अगर इसको लिखें तो इसको लिखते हैं ट्राइंगल है ना, ट्रेंगल जैसे बोलते हैं। इसका अगर हम इसमें अलग अलग पार्ट करें तो आप पाएंगे ट्राई और धन एंगल। मतलब समझिएगा, त्रि मतलब तीन और भुज मतलब भुजा, यानी कि तीन भुजाओं से बना हुआ है त्रिभुज। यहां पर ट्राई पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में है ना, ट्राई टेट्रा होता है ना, एक को मेथ, दो को एथ, तीन को प्रोब्यूट, इस तरह से आपने उसमें आईयूपीएसी नाम में पढ़ा होगा अगर साइंस लिया होगा तो। तो ट्राई मतलब तीन, एंगल मतलब कोण, ठीक। अगर हिंदी में लिखते हैं तो भुजा के बारे में बात होती है त्रिभुज, और इंग्लिश में लिखते हैं तो कोण के बारे में ट्राइंगल। मतलब तीन भुजाओं और तीन कोणों से निर्मित आकृति त्रिभुज कहलाती है, या फिर इसे आप ऐसे बोल सकते हैं तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। दोनों परिभाषा सही है, तीन भुजा एवं तीन कोण से निर्मित आकृति त्रिभुज कहलाती है, या फिर तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसकी कुछ विशेष महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं, अपना अपना सबका पर्टिकुलर भाई कुछ ना कुछ होता है। तो त्रिभुज में वैसे होता है तीन चार, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे त्रिभुज के प्रकार के बारे में, और प्रकार पढ़ने के बाद हम लोग फिर आगे विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए ये क्या कहता है। पहली विशेषता है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। बिल्कुल राइट बात है, कैसे होते हैं इधर देख सकते हैं आप, ये हमने बनाया है त्रिभुज है ना, ये है कोण पहला, ये कोण दूसरा और ये कोण तीसरा, तीन कोण हो गया। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, यहां पे आप लिख लें भुजा, ठीक है, भुजाएं होती हैं। भुजाएं मतलब, अरे ये इंसान की होती ना आर्म्स, ये आर्म्स नहीं, इसकी भी भुजा होती है अपनी, ये पहली भुजा है, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा, ठीक है, क्लियर। किसी भी समकोण त्रिभुज में आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग इक्वल कर्ण का वर्ग के बराबर होता है। आपने पाइथागोरस की प्रमेय पढ़ा होगा, जिसमें आपने देखा होगा AC का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर, ये होता है ना, होता है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल करवाएंगे इससे संबंधित कि आपको कभी नहीं भूलेगा। इस क्लास को अंत तक देखिएगा, इसकी अगली भाग यानी कि इसका अगला पार्ट जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर 9793484848 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सभी क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप हमें अनअकैडमी पर अवश्य फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसके माध्यम से जुड़े और इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर फॉलो करना ना भूलें, ठीक है। और फेसबुक पर भी पीबीआर स्टडी को लाइक करें, जिससे कि आप अप टू डेट रह सकें। आगे देखिए, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, होता है। अगर ये कोण मान लेते हैं आपका है 50 और ये कोण आपका कितना है 60, मान लेते हैं ये कितना है 60, तो अब कोई आपसे पूछे कि किसी त्रिभुज का एक कोण 50 है दूसरा 60 है तो तीसरा कोण क्या होगा, कितना होगा भाई, दोनों जोड़ेंगे 110। तीनों कोणों का होता है कितना, तीनों कोणों का सम 180 होता है, ये दोनों जोड़ने पे 110 आ रहा है, 110 में कितना जोड़े 180 हो जाए 70 डिग्री,
यानी ये कितना होगा 70 होगा। आप ऐसे अनुमान लगा सकते हैं, बता सकते हैं। बात समझ में आई? ये थी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। अब हम लोग बात करेंगे त्रिभुज के प्रकार, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, विषमकोण त्रिभुज, इन सबको पढ़ेंगे बस तुरंत जस्ट। देखिए त्रिभुज के प्रकार आपके सामने आ चुका है, त्रिभुज कितने प्रकार का होता है और कौन कौन होता है। तो दोस्तों मुख्य रूप से त्रिभुज आपका 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है, जिसमें 3 प्रकार का भुजाओं के आधार पर होता है और 3 प्रकार का कोणों के आधार पर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कौन कौन होते हैं? समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हुआ, इधर समझिएगा सभी का एक एक। देखिए मित्रों, समबाहु त्रिभुज का मतलब यह होता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। मतलब ये बराबर, ये और ये, सभी आपस में बराबर हो। अगर ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, ठीक है। विषमबाहु का मतलब क्या हुआ, ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा जो है वो अलग अलग प्रकार की हो। जैसे अगर ये 2 है और ये 5 हो और ये क्या हो, 6 हो। ध्यान दीजिएगा, ये विषमबाहु है, ये समबाहु है। समद्विबाहु क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा बराबर हो वो क्या कहलाता है, समद्विबाहु कहलाता है। जैसे अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये 5 है और ये भी 5 हो, ये कौन है, समद्विबाहु। ये कौन है, विषमबाहु। ये कौन है, समबाहु त्रिभुज। समझ गए ना? तो ये था कितना आसान सा, ना लिख लीजिए इसको, बना लीजिए, लिख दे क्या, ये है समबाहु, ये है आपका विषमबाहु और ये है आपका समद्विबाहु। ध्यान दीजिएगा, अब बात करते हैं समकोण त्रिभुज की। नाम से ही स्पष्ट है समकोण। समकोण क्या होता है, 90 डिग्री का ना, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश का हो वो समकोण कहलाता है। जैसे ये समकोण त्रिभुज हो गया, है ना। न्यून कोण क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसके कोण क्या हो, न्यून कोण जानते क्या होता है, 90 अंश से कम वाले कोण हो। कितने हो, 90 अंश से कम वाले कोण होने चाहिए उसमें, तो वो न्यून कोण होता है। जैसे ये देखिए, इसमें अगर जो भी कोण बनेगा वो सभी कोण 90 से कम ही बनेंगे। मान लेते हैं ये कोण आपका कितना है, 60 डिग्री है और ये आपका 50 है और ये आपका 70 है, तो ये क्या है, न्यून कोण है। अधिक कोण क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 180 अंश से ज्यादा का हो वो अधिक कोण कहलाता है। मतलब जैसे मान लेते हैं त्रिभुज हमने बनाया जो कि आपका कुछ ऐसे है, ऐसे यानी कि इसका जो एक कोण है वो कितना है, ये कोण कम से कम 120 डिग्री का है, मतलब 90 से ज्यादा का हुआ ना, तो ये एक अधिक कोण त्रिभुज है। ये त्रिभुजों के बारे में एक शॉर्ट डेफिनेशन हो गई, छोटा सा, है ना। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन हो निसंकोच आप कमेंट करें या फिर नंबर पे कांटेक्ट करें। मित्रों ये क्लास बहुत बड़ी नहीं होगी क्योंकि जब लाइव क्लास होती है तो आपकी 2 से 3 घंटे की होती है, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हम नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसका रीजन है आप लोग नहीं समझेंगे क्योंकि रिकॉर्ड करने में काफी प्रॉब्लम होती है अपलोड करने में, और हमारे जो ऑपरेटर साहब हैं वो जवाब देने लगते हैं कि भाई ये वीडियो अपलोड नहीं होता, बहुत बड़ा हो जाता है, तो साइज इसकी 3-4 GB में हो जाती है। तो इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा, तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, और भाग्य में जो लिखा है उससे उदास नहीं होते। जी हाँ बिल्कुल, तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। तकदीर तो उनकी भी होती है मेरे यार जिनके हाथ नहीं होते, है ना, होती है ना, तो फिर आप लोग क्यों परेशान है। बस याद रखिए इन बातों को, बार बार बोलिए इन बातों को कि तकदीर के खेल से उदास नहीं होते, जिंदगी में कभी निराश नहीं होते, तकदीर तो उनकी भी होती है मेरे भाई जिनके हाथ नहीं होते।
थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत मोटिवेट रहिए, बेस्ट रहे, मस्त रहे, देखते रहे और दिखाते रहे पीबीआर स्टडी। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और लाइक अवश्य करें। अगली क्लास के लिए इंतजार करें, हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।